सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूँ आप सबके सामने आज शुक्रवार के कार्यक्रम में विश्लेषण जन्म कुंडली का। इस कार्यक्रम के अंतर्गत जिनकी कुंडली लेकर के आया हूँ इनका नाम है अमर। बिल्कुल बन के रहिए, कहीं नहीं जाना है। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। और एक जन है जो लिखते हैं कि पंडित जी आप कार्यक्रम में ये अवश्य बोल दिया करिए कि कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिए, शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम ये वाला। और फिर कहते हैं कि कभी कभी ये भी बोल दिया करो कि एक बात बताता हूँ। और फिर कोई कहता है कि पंडित जी ये कभी कभी बोल दिया करो कि इधर देखो मेरी तरफ, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिए, यहाँ देखिए मेरी तरफ, कहाँ देख रहे हैं आप लोगों को ये चीज़ें अच्छी लगती हैं, चलो अच्छी बात। शुरू करते हैं। ये कुंडली दूसरे हिस्से में भी प्रभावित प्रसारित होगी, ये इसका पहला हिस्सा है। आज ही के शाम के कार्यक्रम में आपको इसी कुंडली के दूसरे हिस्से के साथ मैं आऊँगा, इसी कपड़े के साथ एक ही साथ बनाने बैठता हूँ। एक बार ये बना दूंगा, दूसरी बार में दूसरी कुंडली बनेगी जिसमें नवमांश भी रहे और दशमांश भी कुंडली रहेगी। लग्न कुंडली थोड़ी छोटी हो जाती है और यहाँ नवमांश और यहाँ दशमांश हो जाता है। शुरू करते हैं। आइए मैं आपको सबसे पहले इनकी कुंडली तुला लग्न की बनी है। तुला लग्न वाले अगर व्यक्तित्व के बारे में विचार करें तो वो राजनेता हो सकते हैं, वकील हो सकते हैं, व्यावसायिक हो सकते हैं। अपना काम कैसे निकालना है ये इनको बहुत अच्छे तरीके से आता है। बुद्धिमान होते हैं और चपल चंचल चालाक होते हैं। धर्म को पकड़ करके चलते हैं, अधार्मिक नहीं होते। आप जैसे ऐसे सोचिए कि एक ऐसा घर है जो बहुत धनवान है और जिसके घर में पूजा पाठ निरंतर होता रहता है और उसके घर का जो मालिक है वो तुला लग्न का है और उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि धन का समायोजन कैसे करना है, धन कैसे जो है वो सुनियोजित ढंग से कैसे खर्च करना है, ये उसको बहुत अच्छे तरीके से पता है। मतलब उसको मेहनत करने भी आता है और मेहनत कराने भी आता है, धन को सही दिशा में खर्च करना भी आता है और धन कमाना भी अच्छे तरीके से जानता है। थोड़े कंजूस पर अपने काम के लिए जब उड़ेलने लगेंगे तो फिर ये देखते नहीं है कि दरअसल कहाँ उड़ेला जा रहा है, खूब लुटाते हैं। ये बात है। मंगलिक हैं, मंगल बारहवें भाव में और इस कुंडली के लिए मंगल अच्छे नहीं होते। इस कुंडली के लिए चंद्रमा दशम भाव के अधिपति होते हैं और दशम भाव को देख रहे हैं तो व्यक्ति की कुंडली में राजनीति के बड़े अच्छे योग बनेंगे। और क्योंकि सूर्य जो है वो बढ़िया बैठ रहे हैं वृश्चिक राशि में, हालांकि अनुराधा नक्षत्र में बैठ करके शनि से देखे जाने के कारण और गुरु और शनि के वक्री होने के कारण कुंडली थोड़ी सी कमजोरी के साथ आगे बढ़ेगी और गुरु और शनि वक्री होंगे यहाँ पे तो व्यक्ति को पेट से संबंधित या कई बार आंतों से संबंधित समस्या होती है। हालांकि व्यक्ति की आयु कमजोर नहीं होगी। आगे बहुत सारी चीजें बताने वाला हूँ, कहीं नहीं जाना है, बिल्कुल बन के रहिए। विशाखा नक्षत्र जो है वो व्यक्ति को थोड़ा चिड़चिड़ा बनाए और उसको हर बार इस बात का डर लगा रहता है कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, मैं वो चीज़ प्राप्त कर पाऊंगा या नहीं जो चीज़ मेरे बगल वाले के पास होगी, तो मतलब उनमें थोड़ी सी कंपटीशन की बदबू भी आती है, तो इसको निकाल के फेंक देना चाहिए। क्योंकि आप अपने हिसाब से अगर गति अपनी रखेंगे तो अपनी वास्तविक चाल में रहेंगे और अगर बदल देंगे, इधर उधर कर देंगे तो फिर थोड़ी गड़बड़ी हो जाती है। वैसे आपकी कुंडली में बैठा बहुत अच्छा चंद्रमा है, ये सबसे अच्छी स्थिति में 22 डिग्री श्रवण नक्षत्र खुद के नक्षत्र में। और जरा गौर से देखिए तो इस भाव पे किसी भी तरीके से किसी पापग्रह का कोई असर नहीं है। मतलब चतुर्थ भाव के अधिपति अष्टम में और अष्टम भाव से ही बैठ करके गुरु की दृष्टि जा रही है इस भाव पे। नीच की दृष्टि होने के कारण यह माता का स्वास्थ्य ठीक भी रहेगा पर व्यक्ति स्वयं के लिए जब धन इकट्ठा करना है चलेगा जैसे चल अचल संपत्ति तो उसको थोड़ी बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और रिसर्च क्षेत्र बहुत अच्छा हो, ज्ञानी होता है, गुणी होता है, विधर्मी नहीं होता, धनवान होता है, गंभीर होता है, जनप्रिय होता है, जनता और लोक अदालतों में मंत्री के साथ बैठ करके लोगों को निर्णय सुनाने वाला होता है, न्यायालय पक्ष से युक्त होकर के काम करने वाला होता है और सरपंच की भूमिका में भी कभी कभी हो जाता है ऐसा। इसके बाद गुरु और शनि के एक साथ बैठ जाने के कारण व्यक्ति जो है वो और सूर्य पे दृष्टि पड़ जाने के कारण, जैसे सूर्य जो है वो 16 डिग्री की युवावस्था में अनुराधा नक्षत्र में बैठे हैं और शनि जो है वो देख रहे हैं सूर्य के ही नक्षत्र में। अब जरा गौर करिए तो शनि वक्री हैं पर 2 डिग्री के हैं, इस वजह से व्यक्ति को आलसी बनाएंगे। अब यहाँ पे कृतिका नक्षत्र में बैठे सूर्य शनि के नक्षत्र में और शनि सूर्य के नक्षत्र में, लो जी ये बहुत अच्छी बात हो गई।
अब तुला लग्न की कुंडली में आपकी कुंडली का चंद्रमा, जो चंद्रमा है वो अपने ही नक्षत्र में बैठा, जो आपकी कुंडली को क्या बनाता है, गतिविधि में हमेशा ही लिप्त रहने वाला, कोई ना कोई काम करने वाला। अगर शरीर काम ना करे तो मन हमेशा व्यस्त रहता है, हालांकि शांति मन में है, वो भंग नहीं है और ये अच्छी बात है। अभी चंद्रमा को भी बताऊंगा कैसी स्थिति में है। राहु पुनर्वसु, धार्मिक आध्यात्मिक चिंतन मनन करने वाला, लोगों के लिए सब कुछ दे करके लुटा देने वाला और तैयार रहने वाला होता है। जन सेवा, जन संपर्क में रहने वाला और राजनीति का बड़ा अच्छा योग बनेगा इनकी कुंडली में। पर वो बात दो तरीके से, सूर्य और बुध के कारण, और बुध जो है वो विशाखा नक्षत्र में, गुरु के नक्षत्र में, और गुरु जो है वो चंद्रमा के नक्षत्र में। गुरु चंद्रमा के होने के कारण व्यक्ति संतुलित, प्रभावित करने वाला, एग्जिस्टेंस उसकी हमेशा ही बरकरार रहती है, वो कभी भी निर्भीकता से समाज में स्थापित होकर के अपना जीवन जी लेता है, और जाते जाते हमेशा ही लोगों पे प्रभाव क्षेत्र बड़ा अच्छा धर्म के मामले में जाना जाने वाला होता है। गो सेवा, गो पालक और गाय के लिए, धर्म के लिए, आध्यात्मिक चिंतन के लिए, बड़े लोगों की सेवा के लिए, जो श्रेष्ठ जन है उनको किस तरीके से खुश रखना है और उनसे कैसे आशीर्वाद प्राप्त करना है, ये सब यहाँ पे गुरु दिलाएंगे। राहु का प्रभाव यहाँ बहुत अच्छा होगा, मिथुन राशि में बैठे हैं, बुध धन भाव में, तुला लग्न की कुंडली के लिए राजयोग कारक होते हैं बुध, तुला लग्न की कुंडली के लिए राजयोग कारक होते हैं शनि, तुला लग्न की कुंडली के लिए मारक होते हैं मंगल। तुला लग्न की कुंडली में अगर कमजोर देखें तो मेहनत ज़्यादा करवा करके विपरीत परिस्थिति में जुड़ने में कई बार व्यक्ति को आरंभ में दिक्कत होगी, आरंभ में, पर जब वो जुड़ जाएगा तो फिर वो लगातार स्थापित होता रहता है। अगर मैं इस कुंडली को देखूंगा तो लग्न के अधिपति कहाँ बैठे, तीसरे भाव में, और समझने की बात है कि शुक्र जो बैठे हैं वो 28 डिग्री के मतलब ढलान की तरफ है। अब ये इस राशि को पार करने वाले हैं, धनु राशि को, ये कुछ ही दिनों में, मतलब ये एंड में है एकदम, तो एंड में होने के कारण अब वो मकर में आने वाले हैं और चंद्रमा के ठीक पीछे शुक्र के साथ केतु बैठ करके व्यक्ति को महिलाओं के संपर्क में इतना पैसा हो जाता है व्यक्ति के पास कि कई महिलाओं का व्यक्ति जो है वो संग भोग लेता है, खर्च करता है, खर्च करवाता है, महिलाओं से लाभ प्राप्त करता है, उपहार स्वरूप इसको कई सारी चीज़ें मिलती रहती हैं, महिलाओं का विशेष योगदान इनके जीवन को आगे बढ़ाने में हो जाती है। 57वें वर्ष के बाद व्यक्ति को पेट से संबंधित समस्या उखड़ती है और कई बार व्यक्ति के जीवन में एक ऐसी दशा जब जन्म कुंडली में शुक्र की दशा भी आती है एंड वाली, अभी तो हालांकि राहु हैं, राहु के बाद गुरु आएंगे, गुरु के बाद शनि आ जाएंगे, तो ऐसे जो ये स्थितियां बन रही हैं ये राहु वाली, राहु की दशा खराब नहीं होगी, राहु बहुत अच्छे हैं आपकी कुंडली में और निस्संदेह उनका नक्षत्र भी अच्छा है इस कुंडली के लिए, वो आपको कर्मठ बनाएंगे, अनुभवी बनाएंगे, श्रेष्ठ बनाएंगे, कुलीन बनाएंगे, अनुभव देने वाले होंगे और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में थोड़े बहुत पराक्रम का, मेहनत का परिणाम देर से दे करके ऐसा प्रभाव दिखेगा उनका। कुंडली की 5 सबसे अच्छी बात बताऊं, तैयार हैं सुनने के लिए? 5 सबसे अच्छी बात, लग्न के अधिपति का तृतीय भाव में जाकर के राहु से दृष्ट होना, ये व्यक्ति को बहुआयामी, बहुमुखी, चिंतित रहने वाला, विचार गम्य और बोध गम्य बना करके खर्च करने वाला, खर्चीला बना दे और साथ ही साथ महिलाओं के संपर्क में रहने वाला बना देता है। क्लियर है? इस शुक्र के ठीक आगे चंद्रमा के बैठने के कारण और लग्न से ठीक 4 घर आगे चंद्रमा के बैठने के कारण, इस चंद्रमा के ऊपर गुरु की दृष्टि पड़ जाने के कारण, इस चंद्रमा के ऊपर किसी भी पापग्रह का कोई प्रभाव नहीं पड़ने के कारण चतुर्थ भाव बलवान होगा और कुहु योग का निर्माण करेगा, क्योंकि चतुर्थेश जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बैठे हैं और पंचमेश चतुर्थेश का अष्टम में जाना पढ़ने में मन ना लगे और कई बार व्यक्ति इधर उधर की बातों में ही अपना टाइम या वक्त नुकसान करता रहता है। ये बात मैंने इतनी बताई तो ये दूसरी सबसे अच्छी बात है। तीसरी सबसे अच्छी बात ये होगी कि व्यक्ति की कुंडली में अगर व्यक्ति स्वयं अपना कारोबार करे तो ज़्यादा बढ़िया होगा, क्योंकि चंद्रमा की दृष्टि दशम स्थान पर है। और सबसे अच्छी बात उससे भी है कि शुक्र का प्रभाव यहाँ के फल को बढ़ाने वाला होगा, मतलब चतुर्थ स्थान का फल बढ़ेगा। इसके माध्यम से ये बात निकल के सामने आएगी कि इस भाव पे गुरु की और चंद्रमा के प्रभाव की स्थिति और इस भाव की जो कमजोरी हो रही थी और यहाँ के भाव की जो चतुर्थ और पंचम के अधिपति का अष्टम में जाना, संतान से वियोग, हालांकि आयु वगैरह देते हैं पर व्यक्ति को अंतिम में जाकर के थोड़ा कष्ट होता है और यहाँ पे
चंद्रमा का प्रभाव जन्म कुंडली में अपने उच्च की राशि से त्रिकोण में है या त्रिकोण में है, मतलब चंद्रमा यहाँ पे उच्च के होते हैं और यहाँ से नौ घर आगे अपनी राशि, मतलब वो केंद्र में दिग्बली होकर के बैठे हैं, ये दिग्बल क्षेत्र है उनका। यहाँ पे बहुत अच्छे होते नहीं है, पर चंद्रमा किसी को मित्र नहीं मानते और ना ही किसी को शत्रु मानते हैं, इस वजह से वो क्षमता के संबंध में होंगे। और वैसे भी ये उनका क्षेत्र है जहाँ पे वो आकर के किसी भी राशि में अच्छे परिणाम दे जाते हैं। इसका मतलब है कि व्यक्ति अपने घर के पास रह करके भी कोई भी काम, अपने आसपास के लोगों को खुश रख के, राजनीति से युक्त होकर के भी कोई काम कर सकता है, वकील बन सकता है, जज बन सकता है, राजनेता बन सकता है, बड़े लोगों के संपर्क में रह करके उनकी चापलूसी करके धन कमा सकता है, आदि आदि चीज़ें आप कर सकते हैं। चापलूसी करके खूब धन कमा सकते हैं, टेंडर लेकर के कोई काम कर सकते हैं, पढ़ा करके लोगों की खुशामदी करके आप धन कमा सकते हैं, चिरौरी करके, चापलूसी वो जो बात करते हैं इधर की बात उधर करके, प्रवक्ता बन सकते हैं, पार्टी के प्रेसिडेंट के बाद वाला जो पोस्ट होता है ना प्रवक्ता, वो मतलब पार्टी की तरफ से जो बयानबाजी करते हैं, वो संदीप पात्रा जी जो है ऐसे, तो ये काम आपकी कुंडली में बनेगा ऐसे। अब एक बात और बताता हूँ, दरअसल ये तो तीसरी बात अच्छी थी, चौथी सबसे अच्छी बात, भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में द्वितीय में जाना पर लाभेश के साथ जाना और गुरु से दृष्ट होना। अब यहां पे एक बात होगी कि लाभ भाव के अधिपति जो सूर्य हैं वो धन भाव में बैठे तो ये तो महाभाग्यशाली महाधनी योग हो गया, क्योंकि वो भाग्यशाली इसलिए क्योंकि लाभेश और भाग्य भाव के अधिपति का एक साथ धन भाव में संयोग व्यक्ति को अद्भुत धन का मालिक बना दे, क्योंकि धन का कारक गुरु स्वयं उनको अष्टम भाव में बैठ करके व्यक्ति को गड़ा हुआ धन प्राप्त करवाता है, और साथ ही साथ व्यक्ति के जीवन में कभी कभी गुरु और सूर्य की दशा में दारिद्र भी देखना पड़ता है, हाँ, शनि की दशा में दारिद्र भी देखना पड़ सकता है, इस वजह से कभी भी देने से पहले विचार करना होगा। और एक बात और बता दूँ, वस्तुतः आपको लड़ने की आवश्यकता कभी भी नहीं पड़ेगी, क्योंकि मंगल की ये जो दृष्टि यहाँ से पड़ रही है बड़ी अच्छी पड़ रही है, और चंद्रमा और मंगल का संबंध बड़ा अच्छा है, कारण क्योंकि मंगल जिस नक्षत्र में बैठे हैं उस नक्षत्र का अधिपति दिग्बली होकर के या कारक क्षेत्र में बैठा है, ये सबसे अच्छी बात है, ये सबसे अच्छी बात है। तो ये आपकी कुंडली का चौथा सबसे जो है वो प्रभाव वाला भाव। इसके बाद पांचवी सबसे अच्छी बात कि जन्म कुंडली के पंचमेश अष्टम भाव में बैठ करके व्यक्ति को रिसर्च और बहुत ही छोटे स्तर पे जा करके विचार करने वाला बना देंगे। जहाँ आपकी कुंडली में पंचम भाव के और चतुर्थ भाव के अधिपति छठे भाव में जाकर के आठवें भाव में जाकर के आपको थोड़ी बहुत परेशानी के साथ सफलता देते हैं, लेकिन इसका सबसे अच्छा और भी प्रामाणिक लाभ ये होगा कि व्यक्ति बहुत ही डीप थॉट क्रिएटिव होता है, बहुत सोचने वाला और बहुत ही अनुकूल पर्यावरण से अपना काम धीरे से निकाल करके और यूं मुस्कुरा करके निकलने वाला होता है, गीली चुटकी में नमक पकड़ने वाला होता है, मतलब उसको पता ही नहीं है कि सामने वाले को बहुत अच्छे से पता है कि किस तरीके से उसको पोलराइज करना है, तो आपके अंदर नेतृत्व करने की क्षमता भी अच्छी होगी। और मंगल की दृष्टि जब शुक्र पे पड़ेगी और राहु का प्रभाव जब शुक्र पे पड़ेगा तो व्यक्ति में अतिरेक जल्दबाजीपन की स्थिति भी बढ़ेगी, मंगल जो है वो पराक्रमी बनाएंगे तो व्यक्ति के प्रभाव में वैसे धन का खर्च करने वाला और कभी भी सुख सोचने वाला नहीं होता, धन खर्च करने से पहले अपने से ज़्यादा व्यक्ति दूसरों पे लुटा देता है ऐसा, इस वजह से कई बार धन अनियंत्रित होकर के खर्च हो जाते हैं। अब मैं आपको इनकी कुंडली के पंचांग से मिला देता हूँ, तो मतलब आपकी कुंडली में अब धन योग बना दूँ तो लग्न के अधिपति का तीसरे में जाना व्यक्ति को कम्युनिकेटिव तो बनाएगा, राहु से जुड़ करके इंटरनेट से जुड़ करके भी कोई व्यक्ति काम करना चाहे तो कर सकता है, पर अगर फेस ना दिखाना चाहे तो बोल करके भी व्यक्ति आराम से आ सकता है। धन भाव में सूर्य और बुध का बैठना, सूर्य और बुध का बैठना, राजयोग कारक ग्रह के साथ लाभेश की स्थिति और गुरु और शनि का प्रभाव पंचम भाव के अधिपति के साथ कई जगह से धन कमाना, शेयर सट्टेबाजी लॉटरी आदि से धन कमाना, और दशम भाव पे चंद्रमा का प्रभाव व्यक्ति खुद का कारोबार करे, और सबसे बढ़िया ये होगा कि वो लॉ वगैरह के क्षेत्र में पढ़े या पढ़ने पढ़ाने का काम कर ले। अगर आपकी कुंडली में जैसे पंचमेश कमजोर हो रहे हैं हालांकि गुरु के साथ बैठे हैं तो कुछ ना कुछ तो वो दे ही देंगे और कहीं ना कहीं से व्यक्ति को कुछ ना कुछ तो लाभ मिल ही जाता है। शिक्षा के क्षेत्र में आरंभिक शिक्षा बहुत अच्छी है, बुध 3 डिग्री के हैं विशाखा नक्षत्र में, गुरु के प्रभाव में इसका लाभ ये होगा कि व्यक्ति नारायण का भक्त हो जाए, शिव का भक्त हो जाए, बुद्धिमान हो जाए, तार्किक हो जाए, सुंदर हो जाए, और बड़ा ही समुचित तरीके से सब चीज़ मैनेज करने वाला होता है, बहुत ही गंभीरता से किसी चीज़ का एनालिटिकल प्रोसेस फॉलो करता है। ये दूसरा,
तीसरे नंबर के अधिपति जो है वो विपरीत राजयोग बनाएंगे, शनि के साथ बैठे तो आयु दे देंगे और व्यक्ति के जीवन में गांभीर्य दे देते हैं अलग तरीके का। और दूसरे नंबर पे इनके ठीक आगे राहु के बैठने के कारण इनका मार्ग थोड़ा अवरुद्ध होगा, क्योंकि राहु अब यहाँ आएंगे, 22 डिग्री के हैं, अब गुरु जो है वो आगे बढ़ेंगे और राहु पीछे आएंगे, तो ये जो स्थिति है ये गुरु वक्री होंगे, तो वक्री होने के बाद मार्गी होंगे। अब ऐसी अवस्था में गुरु जो है वो कंफ्यूजन में जाएंगे, अष्टम भाव में जाने के कारण अष्टमेश गुरु, अष्टम भाव के या अष्टम भाव के गुरु कभी खराब नहीं होते, परंतु अगर वो राजयोग कारक या किसी योग कारक ग्रह के साथ अगर प्लैनेट कहीं भी अष्टम में 12 में जा रहा है तो योग कारक ग्रह जहां भी बैठेगा परिणाम अपना देना नहीं भूलता, लेकिन हम प्रभावित अवश्य होता है। कैसे? क्योंकि जन्म कुंडली के पंचमेश का संबंध जब छठे भाव से होगा तो व्यक्ति को राजनीति का तीव्र लाभ दे देता है, सरकार से जुड़ करके लाभ दे देता है, पिता के साथ जुड़ करके काम करने वाला बना देता है, पिता के साथ कारोबार व्यक्ति स्थापित कर सकता है, नैतिकीय मूल्यों का संरक्षण करने वाला होता है, उसकी मोरालिटी और उसकी सक्सेस बरकरार रहती है, वो कभी भी पतन की तरफ अग्रसर नहीं होता, वो जब पकड़ लेता है तो राह आगे का ही पकड़ता है, कभी भी पीछे नहीं मुड़ के देखता। ये तीसरे भाव की स्थिति है। तीसरे भाव के अधिपति विपरीत हैं पर ठीक है, मतलब मैं उसे ये कहूँगा कि तीसरे भाव के कारक होते हैं, शनि का प्रभाव अगर होगा तीसरे भाव के अधिपति के साथ तो कारक और अधिपति अगर साथ में बैठेंगे तो व्यक्ति के जीवन में कम से कम शनि जो विपरीत स्थिति मोड़ेंगे कभी कभी अपना जो निक्षेप वो देंगे तो निस्संदेह उसमें गुरु का प्रभाव आपके लिए लाभदायक हो जाएगा। चतुर्थ भाव के अधिपति और पंचम के अधिपति अष्टम में वक्री हैं, इस वजह से आलस्य दें, प्रमाद दें, आपका प्रभाव थोड़ा देर से लोगों पे चढ़ेगा, खुमार देर से बढ़ेगा, पर ये चीज़ आपको मिल जाएगी। विलंब के साथ व्यक्ति का कारोबार अच्छा होता है, सरकारी लाभ व्यक्ति का अच्छा हो जाता है, सरकार से जुड़ करके मंत्री पद संभाल करके मंत्री के साथ बैठ करके अपना काम निकाल ले और बाद में जो है वो आनंद में रहे। अष्टम भाव पे जो है वो व्यक्ति को, मैं एक बात जो देख रहा हूँ, वैसी स्थिति में व्यक्ति को सबसे पहले राजनेता बनने का प्रयास करना चाहिए और वकील या जज बनने का प्रयास करना चाहिए। आपकी कुंडली 2000 की है तो निसंदेह या कॉमर्स आदि का क्षेत्र या बैंकिंग सेक्टर भी कुंडली में बहुत अच्छे तरीके से प्रोग्रेस करते हुए देख रहा हूँ। छठवें भाव के अधिपति होकर के विपरीत राजयोग और यहाँ से मंगल का देखना, ये भी शिक्षकीय गुण, यहाँ पे शिक्षकीय गुण और यहाँ पे शिक्षकीय गुण, इस वजह से आपकी कुंडली में छठवें भाव के अधिपति और तीसरे भाव के अधिपति होकर के वक्री हैं, इमोशनल बनाएंगे, कॉन्ट्राडिक्शन नहीं होता व्यक्ति के जीवन में किसी भी तरीके से, वो जिस चीज़ को ले लेता है बिल्कुल हाँ तो हाँ नहीं तो नहीं, उसके दिमाग में किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न नहीं होता, बिल्कुल ही उसके दिमाग में सारी चीज़ें बिल्कुल एकदम व्यवस्थित होती हैं। मतलब आप अगर आप इस चीज़ का लाभ उठाना चाहते हैं तो यकीनन आपको ये चीज़ें मिल सकती हैं। ये बात मैंने इतनी बताई, ये बिजली नहीं है ना, इस वजह से मुझे जो है वो गर्मी है, तो ये काम। अब मैं आपको आपकी कुंडली में और भी चीज़ें समझा देता हूँ। जैसे तृतीय भाव के अधिपति का आठवें में जाना, इसका एक नेगेटिव प्रभाव ये होगा कि भटकना भी पड़ता है, इस वजह से कभी भी रिस्क लेकर के ही सही आगे बढ़िएगा जरूर, क्योंकि भटकाव आवश्यक है कि हो। कारण बताता हूँ बहुत गंभीरता से विचार करने पे, कि जब तृतीय भाव के अधिपति दुह स्थान में हो जाते हैं तो मेहनत ज़्यादा करवाते हैं, विपरीत राजयोग बनाएंगे। कैसे? विपरीत राजयोग का प्रभाव ये होगा, आप इसके अर्थ को ही समझिए ना, विपरीत राजयोग, पहले विपरीत है राजयोग, विपरीत नहीं है। दैवज्ञों ने विपरीत राजयोग उसको ये इसलिए कहा है कि वो ग्रह आपकी कुंडली में या आपके जीवन में जिसकी स्थिति बनी है विपरीत वाली, वो पहले विपरीत स्थिति पैदा करेगा, बाद में ये उसके प्रभाव पे निर्भर करेगा कि वो राजयोग देगा या नहीं, पर पहले आपको विपरीत तो अवश्य बनाएगा, मतलब आपको मेहनत वो अवश्य करवाए, चूंकि पंचमेश के साथ है तो दोनों ही भावों से उसका प्रभाव विपरीत बनेगा, क्योंकि पंचमेश भी दुह स्थान के अधिपति के साथ हैं और चतुर्थ भाव के अधिपति भी दुह स्थान के अधिपति के साथ हैं, मतलब गुरु के साथ, तीसरे और छठवें भाव के अधिपति के साथ। ये जो स्थिति होगी वो आपको ये कहने का इशारा कर रही है कि व्यक्ति अपने यश, व्यक्ति अपने कीर्ति, व्यक्ति अपने सम्मान, व्यक्ति अपने पद, व्यक्ति अपनी प्रतिष्ठा, व्यक्ति अपने ज्ञान, व्यक्ति अपने मंत्र, व्यक्ति अपने साधना, व्यक्ति अपने पूर्व जन्म, व्यक्ति अपने पुण्य कृत्य किए गए कृत्यों का प्रभाव और परिणाम, इन सबको पाने के लिए उसको कभी भी रेगुलराइज होना पड़ेगा। आप कभी भी ये नहीं कह सकते कि नहीं ढोल मूल है चलो ठीक है, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि आपकी कुंडली में जो पंचम भाव है वो नीचे जा रहा है। पंचमेश देखिए दोनों की गति कहाँ है,
ये गड्ढा वाला क्षेत्र होता है जहाँ पे आपको कुप जो है वो कुएं में, वो कुआं का क्षेत्र है, वहाँ पे वो वृश्चिक राशि का क्षेत्र है। वृश्चिक राशि जल तत्व की राशि है, लग्न के अधिक, लग्न जो है वो चर प्रकृति का बना है, लग्नेश बैठे हैं अग्नि तत्व की राशि में, तुला धनु राशि अग्नि तत्व की राशि है, वायु तत्व का लग्न बना और अग्नि तत्व में बैठ गए, और शुक्र जो होते हैं वस्तुतः भूमि तत्व के ग्रह होते हैं। तो आप जरा विचार करिए कि भूमि तत्व का ग्रह बना और अग्नि तत्व की राशि में बैठ गया, तो ये थोड़ी सी गड़बड़ी वाली बात होगी। इस वजह से व्यक्ति को मेहनत यहाँ से भी करना पड़ रहा है, क्योंकि तृतीय अष्टम में और यहाँ लग्नेश तृतीय भाव में, इसी वजह से ये बात होती है कि लग्नेश का दुह स्थान में जाना गड़बड़ी पैदा करता है। लग्नेश का दुह स्थान में जाना गड़बड़ी पैदा करता है कैसे? अब वहाँ पर आपको एनालिटिकल होना पड़ेगा, आपको बहुत ही गंभीरता से किसी भी चीज़ को आगे बढ़ा करके सोचना होगा, जल्दबाजी में आप कोई भी निर्णय नहीं ले सकते, किसी भी बात पे थोड़े से धरातल पे जा करके विचार करके तब किसी बात पे आप निर्णय दीजिए। इस वजह से आपका धन भी बच जाएगा, और दूसरे नंबर पे आप किसी भी चीज़ को वक्त दे पाएंगे, तीसरे नंबर पे आपकी गंभीरता भी बढ़ेगी, और चौथे नंबर पे मनन चिंतन और अध्ययन अध्यापन का मौका मिल जाएगा। क्लियर है? ये आपको अपने अंदर बदलाव करना है। उसके बाद चंद्रमा और सूर्य को देखिए, चंद्रमा और सूर्य कहाँ हैं? सूर्य यहाँ बैठे हैं, तो सूर्य से तीन घर आगे चंद्रमा, मतलब जहाँ सूर्य बैठे हैं वहाँ से तीन घर आगे, ये व्यक्ति को गुणी, बुद्धिमान, यशस्वी, निपुण और राजाओं का राजा बना देते हैं, प्रतिपालक, सबको सामान्यतया समान भाव से देखने वाला बना देते हैं। इसका एक अलग नुकसान ये होगा कि व्यक्ति किसी भी चीज़ पे टिक करके काम नहीं कर पाता है, और बहुत जल्दी ही किसी चीज़ से प्रभावित होकर के उसको छोड़ देना चाहता है। ये ना करिएगा, क्योंकि आपका पंचमेश अगर जन्म कुंडली में अष्टम भाव में बैठेगा तो कई बार आपको इरेगुलर करेगा, क्योंकि वो शनि है, शनि का पंचमेश होकर के अष्टम भाव में बैठना इरेगुलरिटी देगा, और निस्संदेह आपके काम में कभी कभी रोड़े अटकाने का काम करेगा। इसके पीछे का कारण, क्योंकि वो वक्री है, और दरअसल दोनों ही ग्रह वक्री हैं, 20 डिग्री से नीचे वक्री हैं, इस कारण से इनमें थोड़ी सी निगेटिविटी भी देखने को मिलेगी। क्लियर है? अब आपकी कुंडली में कितने ग्रह में सारे ग्रह बैठे हैं, जो कि सूत्र होता है, 1, 2, 3, 4, 5, पांच घर में ये जो योग बनता है ये पाश योग बन जाता है, पाश पाश होता है ना, पाश योग, या इसको आप ऐसे कह सकते हैं कि इसको नाम ना दूं, क्योंकि मैं वस्तुतः बहुत ज़्यादा योगों पे नहीं जाता। आपकी कुंडली में योग लाखों बनेंगे, पर अगर ग्रह को इंडिपेंडेंटली आप समझ लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि कौन सा ग्रह कैसा परिणाम दे रहा है, जैसे मैं यहाँ बता रहा हूँ। तो आप कभी योगों पे ना जाइए, अपनी कुंडली में एक एक ग्रह को इंडिपेंडेंट चेक करिए। जैसे सूर्य बहुत अच्छे हैं, वो जिस नक्षत्र में बैठे राजनेताओं का लाभ दे रहे हैं, बुध के साथ बैठे हैं बहुत अच्छा होगा, क्योंकि लग्नेश और लाभेश लाभ और भाग्य के अधिपति जुड़ रहे हैं, गुरु का प्रभाव उनको और भी बल देगा। अष्टम भाव में गुरु और शनि जब भी आएंगे रैंडम एक्सेस कराएंगे, और यहाँ पे शुक्र केतु को जो एक साथ बैठ रहे हैं, ऐसी स्थिति में व्यक्ति धार्मिक होगा, मनोवैज्ञानिक होगा, चिंतनशील होगा, बुद्धिमान होगा, और अपने पराक्रम को लेकर के बहुत ही सहज नहीं रहने वाला होगा। उसकी मेहनत अगर व्यर्थ और वृथा जाएगी तो उसको नुकसान होगा, तकलीफ होगी, ऐसा सोचने वाला बना, क्योंकि पापक ग्रह का जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठना अच्छा माना जाता है, पर शुभ ग्रह का जन्म कुंडली के तीसरे भाव में बैठना अच्छा नहीं होता। और शुभ ग्रह, अब देखो जैसे लग्न में विषम संख्या की राशि का बनना अच्छा होता है, पर जन्म कुंडली के तीसरे भाव में पापक ग्रह की राशि बन जाए तो अच्छी बात है, मतलब आपकी कुंडली में तीसरा भाव बहुत अच्छा नहीं बनेगा, छठवां भाव बहुत अच्छा नहीं बनेगा, आठवां भाव बहुत अच्छा नहीं बनेगा, एकादशवां भाव बहुत अच्छा होगा, क्योंकि वो क्रूर ग्रह या पापक ग्रह का है, मतलब वहां पे क्रूर ग्रह की राशि बनी है। पर बारहवां भाव फिर से वापस कमजोर होगा, क्योंकि इन भावों में पापक ग्रह की राशि का बनना ही अच्छा माना जाता है। क्लियर है? मतलब आप अल्टीमेटली ये समझ सकते हैं कि आपकी कुंडली का तीसरा, छठा, आठवां और बारहवां भाव थोड़े थोड़े कमजोरीपन के साथ प्रभाव में परिणाम देंगे। क्लियर है? पांच ही घर में सारे ग्रह बैठे हैं, बुद्धिमान, यशस्वी, ज्ञानी, धन संपत्ति से युक्त, मेहनत करके परिणाम की प्रतीक्षा करने वाला, और प्रतीक्षा करने के बाद परिणाम अपने पक्ष में ना आने पर क्रोध से युक्त हो जाने वाला होता है। ऐसा इसलिए क्योंकि उसके पास तर्क का ज्ञान है, तर्क का बल है, और गुरु और शनि के प्रभाव में होने के कारण ये प्रभाव बड़े अच्छे हो जाते हैं। दूसरे नंबर पे राहु का प्रभाव लग्न पे और तुला राशि का व्यक्ति को कर्तव्य परायण बनाने के साथ साथ बैलेंस क्रिएट करने वाला, सबको साथ लेकर के चलने वाला और सेक्युलर बना देता है। ये आपकी कुंडली में अच्छी बात नहीं है।
सेक्युलर नहीं होना चाहिए। आप निश्चित रूप से किसी पार्टी के नहीं हो सकते, किसी दल के नहीं हो सकते, अगर निश्चित रूप से ये बात एक धरा पे कहें तो, पर सेकुलरिज्म ठीक नहीं है। आप निसंदेह अपने धर्म के पोषक बनिए, जिस धर्म में जन्मे हैं उस धर्म के लिए कभी भी उपस्थित होना हो हमेशा उपस्थित रहिए। तो ये राहु का प्रभाव, ये पुनर्वसु नक्षत्र में मंत्र का विधि वेता और विधियों का जानकार, और राहु का प्रभाव यहाँ पे व्यक्ति के जीवन में इतना ज़्यादा बिचखोपड़ा जिसको बोलते हैं, उसका दिमाग इतना तीव्र और प्रखर है कि उसको उत्तर देना किसी के वश के बाहर है। राहु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा, पराक्रमी बनाने के साथ साथ खर्चीला, और राहु का प्रभाव यहाँ के लिए बहुत अच्छा, मतलब राहु कहीं भी खराब नहीं देख रहे हैं, हर जगह अच्छे देख रहे हैं। यहाँ उनकी अपनी राशि है, इस भाव के अधिपति के सन्निकट बैठे हैं, गुरु राहु के निकट बैठे हैं, गुरु धर्म के निकट बैठे हैं, गुरु धर्म भाव के निकट बैठे हैं, गुरु पंचमेश के साथ बैठे हैं, गुरु के ऊपर सूर्य और बुध जैसे लाभेश और भाग्येश की दृष्टि है, लाभेश और भाग्येश जहाँ के दोनों के कारक गुरु होते हैं उस पे गुरु की दृष्टि है। इसका अर्थ ये होगा कि व्यक्ति को भाग्य का लाभ भी मिलेगा, पितरों का आशीर्वाद भी मिलेगा, लाभ भी मिलेगा जो वो चाहता है, क्योंकि लाभेश धनभाव में बैठे हैं और लाभ के कारक गुरु से देखे जा रहे हैं, शनि से देखे जा रहे हैं। लाभेश और पंचमेश का योग व्यक्ति को कई जगह से धन इकट्ठा करवा दे, ये स्थितियां बनती है। आयु अच्छी होती है, 68वें वर्ष के बाद हृदय रोग होने का संकेत मिलता है। वैसे चतुर्थ भाव आपका खराब नहीं है, लेकिन चतुर्थेश अष्टम में बैठे हैं और छठवें भाव के अधिपति के साथ बैठे हैं, इस वजह से कई बार व्यक्ति को मांसपेशियों में दर्द, दाहिने पैर के घुटने के पीछे का प्रभाव कमजोर होता है, और कई बार सुपलियों में भी समस्याएं देखने को मिलती हैं। मंगल के कारण ऐसा हो सकता है, वातजन समस्या भी कभी कभी बनती है। ये बात यहाँ तक खत्म। आपकी कुंडली में मैंने नक्षत्र को पकड़ना है तो केतु पूर्वाषाढ़ा के और सूर्य जो है वो उत्तराषाढ़ा के। अब जरा विचार करिए, केतु पूर्वाषाढ़ा के शुक्र के नक्षत्र में और शुक्र बैठ गए जन्म कुंडली में सूर्य के नक्षत्र में, जो पहले ही शनि के नक्षत्र के साथ परिवर्तन, नक्षत्र परिवर्तन सबसे महान परिवर्तन कहा जाता है, राशि से भी परिवर्तन। आप लोगों को एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं, जैसे परिवर्तन योग बना पर किस भाव के अधिपति के साथ, जैसे यहां पे अगर मान लीजिए अगर मंगल जैसे जन्म कुंडली में बैठे हैं बुध की राशि में, और बुध कहाँ बैठे हैं मंगल की राशि में, मंगल की राशि में बुध बैठे हैं और बुध बैठे हैं मंगल की राशि में, मंगल बैठे हैं बुध की राशि में, ये परिवर्तन हुआ। पर विचार करिए तो बुध ने किसके साथ परिवर्तन करा है, बुध 12वें भाव का अधिपति होकर के धन भाव के अधिपति के साथ परिवर्तन करा है, और धन भाव के अधिपति 12वें भाव में, मतलब धनेश का परिवर्तन, ये परिवर्तन अगर यहाँ से होता तो अच्छी बात होती, या ये परिवर्तन अगर यहाँ से होता तो अच्छी बात होती। बुध अगर मंगल के, अगर मंगल की ये राशि बनी, अगर यही मंगल यहाँ बैठ जाते तो और भी अच्छी बात होती, मतलब ये जो परिवर्तन है ये उतना ज़्यादा प्रभावकारी नहीं है। अब आपकी कुंडली में मैं यहाँ पे था, यहाँ पे आता हूँ, सप्तम भाव के अधिपति का 12वें जाना, ऐसी अवस्था में व्यक्ति कई बार थोड़ा संकोची और अपनी बात को बहुत अच्छे तरीके से रख नहीं पाता है। जब उसको समाज के सामने उपस्थित होना होगा तो बहुत ही मजबूती से उपस्थित हो जाता है, लेकिन जब परिवार के सामने उपस्थित होता है तो थोड़ा संकोची होता है। ऐसी अवस्था में वो कई बार दूसरों का भार वहन करेगा, पर दबा कुचला होने के बावजूद भी कभी उसके मुंह से आह नहीं निकलेगी। लोगों को कैसे देना है, लोगों की सेवा कैसे करनी है, ठाकुर जी की सेवा कैसे करनी है, ये सब भाव उसके मन में निकलते हैं, पर वस्तुतः व्यस्तता के कारण और जिम्मेदारी के बोझ के कारण वो नहीं कर पाता। प्रेम करता है पर बोलता नहीं है, बताता नहीं है कि मैं तुमसे प्रेम करता हूँ। अब इस दौरान होगा क्या कि कई बार आत्मीयता का बोध कमज़ोर हो जाता है, या कई बार व्यक्ति जो होता है वो दबे होने के कारण खुद के लिए कभी भी वक्त नहीं निकाल पाता। तो ये स्थिति कभी भी न बने, जब बात सर से पानी बाहर निकलने लगे तो निश्चित रूप से उफ तो अवश्य कर लेना चाहिए, और अगर समझने वाला उफ समझ जाए तो फिर आपकी व्यथा समझ सकता है। आपकी कुंडली में परमात्मा की भक्ति बड़ी अच्छी है, आपका धर्म क्षेत्र बहुत अच्छा है, आपका सामाजिक क्षेत्र बहुत अच्छा है, आप जो समाज में खड़े होकर के कह देंगे, जैसे अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान पे चंद्रमा का प्रभाव हो, ये सूत्र है हमेशा याद रखने चाहिए, अगर जन्म कुंडली के दशम स्थान पे चंद्रमा का प्रभाव हो या दशम स्थान में चंद्रमा बैठे हों तो व्यक्ति समाज का पोषक भले ही ना हो लेकिन समाज का मार्गदर्शक अवश्य होता है। वो कई लोगों को अपनी बुद्धि, अपने विचार, अपने प्रभाव, अपने क्रियाकलापों के द्वारा उन्हें प्रभावित और उनका दिग्दर्शन करता रहता है। इसका अर्थ ये होता है कि जैसे जन्म कुंडली के दशम स्थान में चंद्रमा बैठेंगे उसके पास भले ज्ञान ना हो लेकिन जब कभी भी वो बोलेगा तो निसंदेह 10 लोग उसको सुनेंगे।
उसके पास ज्ञान की कमी भले हो सकती है, उसके पास भीड़ की कमी नहीं है, लोग आपको सुनने के लिए हमेशा तैयार हैं, आप अपने ज्ञान की स्थिति तो बढ़ा दीजिए। ये चंद्रमा दशम स्थान के कहते हैं। दशम स्थान के चंद्रमा का प्रभाव इतना बढ़िया होता है कि व्यक्ति खुद का काम, खुद का रोजगार जब तक नहीं करेगा तब तक उसको दिक्कत होती है। और मतलब यहाँ पे ये कहना चाहते हैं चंद्रमा, मानो मैं तुम्हारे लिए खड़ा हूँ लक्ष्मी बन करके, आप तुम अपने लिए अपना काम तो शुरू करो, किसी की नौकरी क्यों करनी, किसी की चाकरी नहीं करनी है, आप खुद का कारोबार करिए। इस वजह से व्यक्ति को शासन सत्ता के सिर पे ले जा करके बिठा देते हैं। अष्टम भाव के अधिपति का तृतीय में जाना, ये भी एक तरीके से योग बनेगा, गुरु और शुक्र का परिवर्तन, इसे अच्छा ही कहेंगे। पर ये जितने भी परिवर्तन योग बने हैं आपकी कुंडली में, चाहे इनका और इनका हो, इनका और इनका हो, ये सब आपकी कुंडली में विपरीत ही बन रहे हैं। बहुत ज़्यादा इनका सटीक लाभ नहीं मिलेगा, थोड़े कमजोरी के पन के साथ ही, मतलब हो सकता है कि आरंभ में अच्छे हों। अब इसके लिए नवमांश कुंडली पर जब चर्चा करूंगा शाम वाले कार्यक्रम में, तब इस चीज़ को और भी स्पष्ट करूंगा। पर वस्तुतः यहाँ पे जो परिवर्तन बन रहा है वो आपको पेट का रोगी और मेहनत कराने के लिए मजबूर करने वाला है, और पहले के जीवन में मतलब आरंभ जो क्षेत्र का है वो थोड़ा कमजोर बन सकता है। नवम भाव ठीक बना है, धनवान बनाए, भाग्यशाली बनाए, लाभकारी योग बनाए, और नवम भाव के अधिपति का सूर्य के साथ बैठना, गुरु से दृष्ट होना, व्यक्ति को चारित्रिक रूप से कभी भी हंता नहीं बनने देता। वो लोगों का लाभ उठा तो लेता है पर कई बार उसकी चोरी पकड़ी नहीं जाती है। हाँ, सूर्य राहु और केतु के संपर्क में होते, लेकिन निश्चित रूप से सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव है और पंचमेश के से देखे जा रहे हैं, पंचम भाव को देख रहे हैं, तो व्यक्ति अगर कुछ नुकसान भी हो जाता है तो कई बार वो वापस उसको पुनर्प्राप्त कर लेता है, उसकी पुनर्प्राप्ति हो जाती है। मतलब जो कभी स्टेटस अगर डाउन होगा तो फिर से वो वापस आप उसको रीगेन कर लेंगे, ऐसी स्थिति बनेगी। ये सूर्य और गुरु वाले में हो सकता है, नुकसान शनि करवाएंगे, गुरु उसको फिर से भरवा देंगे। अंतरदशा में भी ये बात देखने को मिलेगी। दशम भाव के बारे में चर्चा करी, एकादशवें भाव के बारे में चर्चा करी, बहुत अच्छा होगा, इसे महान लाभकारी योग कहेंगे। बारहवां भाव आपका मांगलिक बना रहे, हालांकि मंगल यहाँ पे बहुत ज़्यादा खराब हो जाते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि पड़ जाने के कारण उनकी जो कठोरता है वो थोड़ी कमज़ोर हो जाएगी। उस भाव के अधिपति जो है वो जन्म कुंडली में द्वितीय में नहीं आते, और लग्नेश के साथ जन्म कुंडली का संबंध ग्रह केतु का नहीं होता, द्वितीय भाव के अधिपति बारहवें में नहीं जाते तो धन का संयमन होता। हालांकि मैं एक बात बता दूं आपको जो बहुत अच्छी बात है, कि अगर योग कारक ग्रह के साथ अगर गुरु संबंधित हो रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका प्रभाव कमज़ोर नहीं होगा। हालांकि केंद्र के तीन घर खाली, चतुर्थ भाव भी खाली, पंचम भाव भी खाली और नवम भाव भी खाली, ये चीज़ ठीक नहीं होती और इसे बहुत अच्छा नहीं कहा जा सकता है। मतलब आपकी कुंडली में अगर आप देखें तो जो डायमेंशन बन रहा है वो लग्न का, दशम का, पंचम सप्तम का, नवम का और नवम का, ये पंचम का, ये सब खाली खाली हैं। एकादशवां भाव खाली, कितने घर खाली हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 घर खाली, तो पांच ही घर में सारे ग्रह बैठे हैं। मतलब थोड़ा और बिखराव होता है, जैसे ये गुरु यहाँ नहीं बैठे होते यहाँ बैठ जाते, या ये गुरु यहाँ नहीं बैठ जाते यहाँ बैठ जाते, या ये शनि यहाँ नहीं बैठ जाते यहाँ बैठ जाते, या ये राहु यहाँ नहीं बैठ करके यहाँ बैठ जाते और भी ज़्यादा अच्छी बात होती, ये अगर जो है वो सूर्य और बुध यहाँ बैठे हैं यहाँ बैठ जाते, हालांकि नीच के भी होते तो खराब नहीं होता, अगर यही शुक्र यहाँ बैठ जाते तो और भी ये कुंडली सज जाती। तो जो निगेटिविटी बनेगी, अब मैं आपको आपकी कुंडली के पंचांग पे लेके आता हूँ। आपका जन्म जिस संवत्सर में होगा वो मैं अगर देख के बताऊँ तो 2057 विक्रम संवत, 1922, तो 2057 और 1922 में संवत्सर जो हो जाए, 2000 में आप जन्मे हैं, तो ऐसी अवस्था में कई बार व्यक्ति जो होता है विजयी होता है, विजय संपन्न होता है, और दक्षिणायन में जन्मे हैं तो सूर्य का प्रभाव लाभकारी होता है। सूर्य का प्रभाव लाभकारी होगा या नहीं, पर चंद्रमा अवश्य ही लाभदायक होंगे और बलवान भी हो जाएंगे। जन्म आपका जो है वो सुबह 4:55 का है और शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि, यानी कि शुक्ल पक्ष के षष्ठी तिथि दिन जो है वो सुबह में 4 बजे का है, लेकिन चंद्रमा यहाँ पे कमजोर होंगे, इस कारण से व्यक्ति को प्राइवेट सेक्टर का काम करना पड़ेगा या कई बार धन का आवागमन थोड़ा कम थोड़ा ज़्यादा सा होता रहेगा। बैंकिंग, फिनांस और मैनेजमेंट आपकी कुंडली में बहुत अच्छी रहेगी, ये क्षेत्र बैंकिंग वाला भी बहुत बेहतर है। धन का लेन देन, समायोजन सुनियोजित ढंग से करना, चीज़ों को मैनेज करना, ये आपकी कुंडली का सबसे अच्छा और बेस्ट पॉइंट हो सकता है। मार्गशीर्ष माह में जन्मे हैं, आपको कई बार लोग जिद्दी कहेंगे, हठी कहेंगे, पर उन पर भरोसा और विश्वास नहीं करना है। आपकी कुंडली जो है वो शुक्रवार को जन्मी है, धन पद प्रतिष्ठा और गौरव, सामाजिक लाभ और आर्थिक लाभ होने के साथ साथ भौतिकता का ये सुख व्यक्ति को मिलता रहता है।
श्रवण नक्षत्र में जन्मे हैं तो व्यक्ति व्यवसायी हो जाता है और किसी न किसी तरीके से दूसरे के जेब से पैसा निकाल ले, हलक में हाथ डाल करके अपने अधिकार को खींच लेता है, क्योंकि जन्म कुंडली में इस भाव के अधिपति के साथ शनि का प्रभाव है और मंगल की दृष्टि है। इस वजह से व्यक्ति के शत्रु और व्यक्ति के जीवन की विपरीत परिस्थितियां उसको कभी भी बिगाड़ नहीं सकती हैं। ध्रुव योग में जन्मे हैं तो भगवान राजा ध्रुव की तरह व्यक्ति जो होता है अटल और अविनाशी होता है। उसका कृत्य कई कई बार लोगों को प्रभावित करता है और उसके बनाए गए नियम लोगों के द्वारा पालित होते हैं। वैश्य वर्ण और देवगण के होने के कारण व्यक्ति समाज का प्रिय और किस तरीके से धर्म को आगे रखना है, अपने आप को पीछे रख के धर्म को किस तरीके से आगे रखना है, ये व्यक्ति के अंदर सद्गुण, सद्विचार, सद्भाव, सदाचरण इसका पालक होता है और इसका पोषक भी होता है। ये पंचांग और ये आपकी कुंडली। अब आइए आपको नवांश कुंडली पे लेके आऊंगा जो कि शाम के कार्यक्रम में दिखाऊंगा। मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई हैं, धन योग बताया, लाभ योग बताया, महाभाग्यशाली योग बताया, गुरु और शनि का अष्टम में प्रभाव सरकार से, सूर्य के ऊपर शनि का प्रभाव, और दशाओं में अगर देखें तो आपकी कुंडली के लिए 5 अंक अच्छा रहे, दशाओं के आधार पर सूर्य की दशा अच्छी रहे, सूर्य में बुध की दशा अच्छी रहे, चंद्रमा में बुध की दशा अच्छी रहे, चंद्रमा में मंगल की दशा भी थोड़ी बहुत कमजोरीपन के साथ अच्छी रहे, गुरु के साथ जो है वो शनि के साथ चंद्रमा का संबंध भी अच्छा है, इस वजह से उनका भी संबंध ठीक रहेगा। शुक्र की दशा में राहु, राहु में शुक्र बड़े अच्छे रहेंगे। और उसके बाद मंगल की दशा में जन्म कुंडली में आपको बचना किससे चाहिए, तो बुध में शुक्र आए, गुरु आए या मंगल आए तो आपको बचना होगा, या इनका ही अंतर प्रत्यंतर हो तो, या फिर गुरु में शुक्र आए, ये मैंने बात कही, गुरु के अंतिम दशा में भी आपको थोड़ा बहुत सावधान होना चाहिए। अगर कुछ भी खरीदना हो तो बुध की और शनि की दशा आपके लिए लाभदायक होगी। खुद के नाम पे अगर कोई भी काम करना होगा तो बिल्कुल कर सकते हैं। आपकी कुंडली के लिए वैसे राशि मिथुन बहुत अच्छी है, सिंह भी अच्छी होगी और कुंभ भी अच्छी होगी। आपकी कुंडली के लिए मकर और कुंभ के लोग अच्छे रहेंगे। दिशा आपकी कुंडली के लिए दक्षिण बहुत अच्छी रहेगी। नक्षत्र के आधार पर पुनर्वसु, विशाखा, अनुराधा थोड़ा बहुत कमज़ोर होता है, कभी कभी जो है वो व्यक्ति को दुखी करता है, ऐसा भी देखने को मिलता है। पर व्यक्ति थोड़ा संयमित ना रहे तो उसके ऊपर लांछन भी लग जाते हैं, तो इस वजह से संयमित रहना होगा। और वैसे आपकी कुंडली का धन क्षेत्र बहुत बढ़िया है, एजुकेशन प्राइमरी बहुत अच्छी है। पंचम भाव थोड़ा कमज़ोर है तो जो कॉलेज वाला जो क्षेत्र होता है वो थोड़ा बहुत आपको परेशान करेगा, उसमें आपको दिक्कत का सामना करना पड़ता है। उच्च शिक्षा का क्षेत्र आपकी कुंडली में थोड़ा है, पर वो व्यक्ति वहाँ पे धन को ढूंढने लगता है, इस वजह से कई बार उसमें दिक्कत मशक्कत भी होती है, पर व्यक्ति पूरा कर लेता है क्योंकि राहु वहाँ मिथुन के बैठे हैं, खराब नहीं होते। आपकी कुंडली में मैं बाकी की चीज़ें आज ही के शाम के कार्यक्रम में बताऊंगा। अब यहाँ पे आपको नवमांश, दशमांश और लग्नेश एक बार फिर से दर्शन देंगे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए, कुछ इसी तरीके से आज के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए कैसा लगा विश्लेषण अवश्य बताइएगा। इसमें और भी चीज़ें जोड़ी जा सकती हैं, जैसे अष्टक वर्ग वगैरह भी इसमें बताऊंगा, वो शाम वाले कार्यक्रम में बता दूंगा। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।